अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एज़ यू नो दैट वी हैव कम्प्लीटेड द ट्रांसलेशन ऑफ यूनिट 2 इकबाल्स मैसेज टू यूथ एंड नाउ वी विल फिल इट्स एक्सरसाइज। चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे हमने करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। इज सब्लाइम पोइट्री एंड फिलोसफी इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स। द अपोजिट ऑफ द वर्ड सब्लाइम इन दिस सेंटेंस मीन्स हियर the word is sublime and we have to find the opposite of word sublime. Sublime mean shandar. The options are beautiful, inspiring, uplifting, irrational. So irrational mean mamooli. Sublime mean shandar, irrational mean mamooli. So opposite of sublime is irrational. Whether he is in the battlefield or in the company of friend, he is pure in head and heart. इन दिस सेंटेंस ही रेफर्स टू। यहाँ पे इकबाल ने किसको कहा है कि वो चाहे मैदान जंग में हो या फिर दोस्तों के साथ हो, वो दिल और दिमाग से खालिस होता है। यानी ही किसके लिए, उसने किसको रेफर किया है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ द यूथ। थर्ड इज़ नो थाई सेल्फ एंड सक्सेस शैल बी थाइन मीन्स दैट अपने आप को पहचानो और कामयाबी आपकी होगी। यहाँ पे इसका क्या मतलब है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ सी, योर डिज़ायर टू नो हु यू आर। आपकी ख्वाहिश अपने आप को जानना है, अपने आप को पहचानना है कि आप खुद कौन हो। एंड व्हाट यू वांट, और आप क्या चाहते हो, इज़ द रियल सक्सेस। यही हकीकी कामयाबी है इन लाइफ, ज़िंदगी में। लास्ट वन इज़ द यूथ ऑफ इकबाल इज़ नॉट अ थिंकिंग हैमलेट बट अ मैन ऑफ एक्शन। इकबाल का नौजवान एक खाली सोच का मालिक नहीं है बल्कि वो एक एक्शन का आदमी है, यानी कि अमली इंसान है। इन दिस सेंटेंस हैमलेट सिंबलाइज अ पर्सन हु। यहाँ पे हैमलेट सिंबलाइज करता है एक ऐसे शख्स को जो कि इज़ टेकिंग टू मच टाइम इन मेकिंग डिसीजन, यानी फैसला लेने में ज़्यादा वक्त लेता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। सो कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 19। क्वेश्चन इज कंप्लीट द सेंटेंसेज बाय राइटिंग द करेक्ट प्रीफिक्स इन द ब्लैंक स्पेस। यहाँ पे हमने ब्लैंक स्पेस को फिल करना है प्रीफिक्स से। प्रीफिक्सेस आर डिस, इन, मिस, री, अन। आई जस्ट कॉन्ट बिलीव इट, द स्टोरी इज डैश बिलीवेबल। Here the word is believable and the prefix of believable is un. So correct option is un, believable, unbelievable. Second is no, that answer is something something correct, it is wrong. So the word is correct and the prefix of correct is in, correct, incorrect. Let's look at this information again. We should dash review it before the test. We should dash review and the prefix of view is re. So we should review it before the test. I saw Alina just a moment ago, but now I can't find her. She just dash appeared. She just something something appeared. So appeared and the prefix of appeared is dis, appeared, disappeared. Oh, I am sorry, I didn't hear you correctly. Oh, I am sorry, I didn't hear you correctly. I dash understood you, understood. Understood ka jo prefix hota hai wo hota hai miss. So understood, misunderstood you, I miss understood you. So these are the prefixes of the given words: believable, unbelievable, correct, incorrect, view, review, appeared, disappeared, understood, misunderstood. In next question we will learn about suffixes. Thank you so much.